हेलो एवरीवन, आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंप्यूटर हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग में। अच्छा, मैंने इससे पहले कंप्यूटर के सारे पार्ट्स पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो प्लीज पहले एक बार आप लोग उसको भी देखिए, तब ये आपको और भी अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। ओके, सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके SMPS से होती है तो वो कैसे ठीक होती है, तो देखिए SMPS से बस एक ही समस्या आती है, एंड गाइस इट इज कॉल्ड कंप्यूटर नॉट पावर ऑन। आपने अपने PC को स्टार्ट किया बट ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, तब एक बार आपको अपनी पावर केबल को भी चेक करना चाहिए। बट अगर आपकी पावर केबल अगर आपकी सही है, तब आपने अपने CPU को खोलना है और जो आपका SMPS होगा उसको आपको चेक करना है। मैंने अपने वीडियो में सिखाया था कि जो आपका SMPS होता है वो आपके ग्रीन और ब्लैक वायर को शॉर्ट करने पर आपका फैन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ऐसे ये आपका चेक हो जाएगा कि भाई आपका SMPS सही है कि ये अभी आपका खराब हो गया है। ठीक है, इसके बाद आता है हार्ड डिस्क में क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो देखिए, आफ्टर स्टार्ट कंप्यूटर मैसेज कम सेलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस। PC को जैसे ही आपने स्टार्ट किया, ये जो सामने आपके स्क्रीन है सेम आपके सामने ऐसे ही आ जाएगा और यही आपका आता है, तब उस केस में एक बार पहले आपको अपने BIOS में आना होगा एंड जस्ट चेक कि क्या उसमें मैं हार्ड डिस्क आपकी शो आपकी हो रही है। अगर वो शो हो रही है तब आपको इसमें आपका फ्रेश OS इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर नहीं शो हो रही है तो आपको अपने CPU को खोल कर अपनी हार्ड डिस्क को प्रॉपर उसको अटैच करना होगा। ओके, अब हार्ड डिस्क में एक समस्या और आती है कि ब्लू स्क्रीन कम अगेन एंड कंप्यूटर रिस्टार्ट। आप कोई अपना काम कर रहे हो और जी अचानक से ऐसी स्क्रीन आती है और फिर उसके बाद में आपका PC एकदम से रिस्टार्ट ही होता है, तब उस केस में इसमें एक ही इशू होता है कि इसमें आपके बैड सेक्टर्स बहुत अधिक आ गए हैं, तब आपको इसमें फ्रेश OS इंस्टॉल करना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट आते हैं रैम ट्रबल शूटिंग पर। अच्छा, रैम से बस आपको एक समस्या आपकी आएगी कि आपने अपने PC को स्टार्ट किया और जी स्टार्ट होते ही एक तो आपका डिस्प्ले नहीं आएगा और आपकी लॉन्ग बीप की साउंड आएंगी। अच्छा, ये जो आपकी साउंड है वो तभी आती है जब आपके मदरबोर्ड में एक ना आपका छोटा सा स्पीकर उसमें अटैच होता है। ओके, स्पीकर अगर आपका नहीं अटैच है तब भी आपका डिस्प्ले आपका नहीं आएगा और साथ में आपका कीबोर्ड भी नहीं काम करता है, तब उस केस में आपको अपने PC को खोलना होगा और अपनी रैम को एक बार निकालना होगा और उसको अच्छे से जो आपकी इरेजर होती है उसको उससे उसके पिन को साफ करिए, क्योंकि ना उसके पिन में ना कार्बन आ जाता है। ओके, जो अगला आता है वो भी देखिए सेम आता है, ब्लू डंप एरर और डेथ ऑफ स्क्रीन, इसी को हम लोग कहते हैं। देखिए, एक तो इसमें आपके हार्ड डिस्क का इशू होता है और कभी कभी इसमें आपके रैम का भी इशू होता है, तो उसमें भी आपको सेम इसे इजेक्ट करना है और जस्ट क्लीन इट एंड जस्ट अगेन अटैच। ठीक है, आफ्टर दैट आता है माइक्रो प्रोसेसर से क्या क्या इश्यूज आते हैं। PC आपने अपना स्टार्ट किया और जी कोई काम आपने अपना स्टार्ट किया, कुछ मिनट हुए और ये बार बार आपका रीस्टार्ट हो रहा है, तब उस केस में क्या होगा कि आपको अपने थर्मोकॉल पेस्ट को आपको इसको अप्लाई करना होगा। ठीक है ना, ये जो थर्मोकॉल पेस्ट होता है वो इस टाइप में भी आता है और आपके इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, तो बस आपको इसके ऊपर ऐसे हल्का सा अप्लाई करना है और जी इतना ही अप्लाई होना चाहिए कि बस इतने हिस्से के ऊपर आ पाए, क्योंकि अगर आपने अधिक अप्लाई किया तो ये पिघल कर आपके इसके अंदर आ जाएगा और फिर इस फैन को आपको अच्छे से ऊपर से अटैच करना होगा और फिर उसके बाद में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक आता है कि आपने अपने PC को स्टार्ट किया और एक बहुत बस सिर्फ एक आपकी लंबी साउंड आएगी और आपका डिस्प्ले भी नहीं आएगा, तब अगर ये ऐसा आता है ना तो फिर क्या क्या
होता है ना कि कभी कभी आपने अपने प्रोसेसर को इतना फोर्सफुली अटैच किया होता है ना कि जी कि है ना इसमें से ना कोई भी पिन आपका टेढ़ा हो जाता है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको चेक करना होगा कि क्या कोई पिन इसमें टेढ़ा तो नहीं है, और अगर है तो वो आपको पेन की हेल्प से उसको आपको बहुत आहिस्ते से सीधा भी करना होगा। ओके जी, इसके बाद में आता है आईओ पोर्ट। फॉर एग्जांपल कि आपका आप अभी आपका वीजीए पोर्ट आपका खराब हो गया, आपका लैन पोर्ट आपका खराब हो गया, आपका साउंड पोर्ट हो गया है ना जी, आपका यूएसबी पोर्ट, मतलब कि कोई भी अगर आपका पोर्ट खराब हो गया तो फिर ये जो आपके पीसीआई स्लॉट और ये जो आपके पीसीआई ये जो आपके होते हैं ना इसमें आपके कार्ड आते हैं अलग से हर एक पोर्ट्स के, वो आसानी से आपके अटैच हो जाएंगे और आपका काम स्टार्ट हो जाता है। एंड जो आखिरी होता है वो होता है सीमोस से आप करते किया, आपने अपने पीसी को स्टार्ट किया और जी आपका डेट एंड टाइम आपका चेंज है, आपने उसको सेट किया और सेट होने के बाद में जैसे ही पीसी आपका रीस्टार्ट होगा ये टाइम फिर से आपका चेंज हो जाएगा, तो इससे इंडिकेट होता है कि जो आपका सीमोस बैटरी है ना वो आपका खराब हो गया है, तो बस आपको इस बैटरी को ना बस ओनली आपको चेंज करना होगा। ओके जी, तो आई होप कि ये हार्डवेयर की पूरी सीरीज से आपको बहुत कुछ आ गया होगा, तो जस्ट प्लीज इस वीडियो को ना व्हाट्सएप पे फेसबुक पे अपने फ्रेंडों के साथ में लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस अपने बहुत अच्छे करियर ग्रोथ के लिए ना प्लीज आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।